हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम इनसाइट क्लासेस। तो गाइस देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ किसकी जो स्क्वायर रूट है और क्यूब रूट है उसको सोल्व किस तरीके से करते हैं, उसकी जो कितनी बेस्ट ट्रिक है, फास्ट ट्रिक है, वो हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगी क्योंकि देखिए यहाँ पे अब हम सीखते हैं, अच्छी लगेगी तो ऑब्वियसली आप जरूर इसको शेयर करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर रूट आपको करने से पहले आपको स्क्वायर का पता होना चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट बैंक की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको स्क्वायर तो आपको आने ही चाहिए। देखिए, स्क्वायर आपको 50 तक आने चाहिए और क्यूब आपको 25 तक आने चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, कोई नहीं, आज हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट को हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे जो पॉइंट हैं, यदि वो हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उस टाइप के अपने पास नंबर आते हैं तो क्या वो पूरे तरीके से वो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अपने जो स्क्वायर रूट को निकालेंगे। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है आपके पास कि यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आता है, किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8, इसी वीडियो में आपको याद होना चाहिए कि 2, 3 और 7, 8 किसी भी संख्या के लास्ट में आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इस तरीके के कोई भी नहीं बताएगा, देखिए इन पॉइंटों के बारे में कोई नहीं बताता, लेकिन ट्रिक्स आपको हर कोई बता देता है। ठीक है, आज हम सारी चीज इस वीडियो में सीखेंगे। तो 2, 3, 7, 8 जिस भी संख्या के लास्ट में होता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, सबसे पहले हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, यदि किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 0 की संख्या ओड नंबर हो, यानी विषम संख्या हो, किसकी, 0 की, तो वो भी कभी भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, यदि किसी भी कोई भी अपने पास संख्या है और उसके लास्ट में भी दोनों संख्याएं विषम होती हैं तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी। ठीक है, देखिए एक सम आनी चाहिए, एक विषम आनी चाहिए, तो इस तरीके की जो संख्या होगी वो अपनी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन यदि किसी भी संख्या के लास्ट में दोनों ही संख्याएं विषम होती हैं, ओड होती हैं, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब और पॉइंट क्या है, और पॉइंट के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि जो 4 पॉइंट है, यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है। ठीक है, पूर्ण वर्ग होती है यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आता है। देखिए जो मैं बोल रही हूँ वो आप नोट कर लीजिए, किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आता है तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 25 आपको दिखता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कोई भी नहीं बताता है कि देखिए किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 5 आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है, और किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 25 आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते थे किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 की हमने बात कर ली। अब हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए 1 से 10 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर यहाँ पे होता है 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। ठीक है, एक नंबर को देखने के बाद देखे लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर लास्ट में 4, 9, 6, 5, फिर 6, 9, 4, 1, 0। देखिए आप यहां पे देखिए लास्ट में क्या है, 1, 4, 9, 6, 1, 4, 9, 6 और एक है 5। ठीक है, देखिए 5 का तो 5 ही होगा। ठीक है, लेकिन देखिए 1, 4, 9, 6 यदि किसी भी संख्या के लास्ट में आता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है, और किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 2, 3, 7, 8 आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उसका वर्ग निकालने लग जाए, वर्ग आ ही नहीं रहा है उसका, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है,
बात करते हैं अब यहाँ पे, देखिए 1, 4, 9, 6, 5 का हमेशा क्या होता है, 5 होता है। और 1 किस किस के लास्ट में आता है, देखिए 5 का क्या होता है, 5 होता है। 1 किस किस के लास्ट में आता है, 1 के आता है और 9 के आता है। 4 यहाँ पे 2 के आता है और यहाँ पे देखिए 4 आता है, 8 का आता है, ठीक है। 9 की यहाँ पे बात करें तो 9 आता है 3 के स्क्वायर के लास्ट में आता है और 7 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, ठीक है। 6 की बात करें तो 6 यहाँ पे 4 के लास्ट में आता है और 6 के ही लास्ट में आता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप सभी को आना चाहिए कि जो 1 है वो 1 और 9 का स्क्वायर है उसके लास्ट में आता है, 2 और 8 है उस जो 4 का स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट में आता है। यदि किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 4 है, ठीक है, यानी कि जो भी 2 और 8 है उसका स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 4 आना चाहिए। 3 और 7 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 9, 4 और 6 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 6 आता है और 5 का 5 आता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया इस तरीके के किस तरीके से ये आता है। अब हम क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करें कि भाई छोटे जो क्यूब रूट आते हैं उनको हम कर लेंगे लेकिन बड़े क्यूब रूट आते हैं उनको किस तरीके से डील करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि 5 वाले जो आते हैं उनको किस तरीके से हम करें। तो देखिए आपके सामने मैं कोई भी एग्जांपल लेके आती हूँ और आपके पास एग्जांपल है 1, 5, 6, 2, 5, ठीक है, ये है। और इसका आपसे पूछ लिया कि इसका है वो बताइए स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा निकालिए इस तरीके से। तो देखिए इसकी जो ट्रिक है वो है कि जब आपको स्क्वायर आता है तो लास्ट के जो 2 डिजिट नंबर है उनको यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। और जो लास्ट में 5 है तो आपको पता होगा कि जो 5 है 5 का कितना होता है, 5 होता है। अब यहाँ पे कितने बचे, 156 बच गए। 156 इसके जस्ट छोटी वाली संख्या का वर्ग देखना है, तो छोटी वाली संख्या का वर्ग यहाँ पे देखेंगे तो कितना आता है, 144 किसका आता है, 12 का आता है और 169 आपका आता है 13 का आता है, तो 144 यानी कि 12, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा 125 है वो इस स्क्वायर रूट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 132, 25, ठीक है। इसका अपन को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए अब लास्ट में 5 है तो इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे छोड़ देंगे, इसके बाद ये बचती है इससे जस्ट छोटी वर्ग की संख्या है वो हम देखेंगे। तो 132 है वो किस पे आता है, देखिए 11 का कितना आता है 121 और 12 का कितना आता है 144, ये हो गया आपका 11 का, ये हो गया आपका 12 का, तो 121 है वो किससे, 132 से क्या है, छोटी है, तो यहाँ पे 111 यानी कि 115 है वो इस 132, 25 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके स्क्वायर रूट यानी कि 115 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 132, 25, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ये तो 5 का हो गया, अब अलग जैसे कि किसी के लास्ट में 1 आता है, किसी के लास्ट में 4, 9, 6, इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए अपने पास कोई भी संख्या है 70, 56, ठीक है। इसका हमें क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है। हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं और फर्स्ट डिजिट को अपन को यहाँ पे देखना है कि जो 6 है वो किस किस के लास्ट में आता है, 4 के भी आता है और क्या आता है, 6 के भी आता है, ठीक है। अब बचा कितना, 70। अब 70 से सबसे छोटी, देखिए 70 के जो नजदीक सबसे छोटी है उस संख्या का वर्ग देखना है और इससे थोड़ी सी जो बड़ी है ना उसका वर्ग देखना है। तो देखिए 70 है, अब 70 किसके नजदीक आता है, 64 और 81 यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, ठीक है, इससे क्या है, छोटी। और यहां पे 9 का कितना होता है, 81, ओके। अब ये बताइए आप कि यहाँ पे जो सबसे जो 70 के नजदीक कौन सी संख्या है, यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। 70 में से 64 यदि हम लेस करते हैं तो कितना आता है, 6, और 81 में 17 करते हैं तो ये देखिए 11 पे जाता है, ठीक है। तो सबसे नजदीक कौन सा है, 64, तो सबसे जो छोटा छोटी संख्या है, ठीक है, यानी 8 का 64 है और ये 70 से छोटी है, तो देखिए यहाँ पे ये जो छोटी वाली संख्या है ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 84 का जो राइट आंसर है यानी कि 84 का जो स्क्वायर है वो क्या है, 7056, और 7056 का जो स्क्वायर रूट
यहाँ पे 84 निकल के आ गए। इसी तरीके के और क्वेश्चंस करते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लेते हैं कि देखिए 32 49 और इसका अपन को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट लेंगे और यहाँ पे जो 9 है वो किस किसके पे आता है, 3 के आता है और 7 पे आता है। ठीक है, अब बचे ये संख्या, अब इसके सबसे छोटी नजदीक संख्या को लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, 5 के स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। ओके, और यहाँ पे इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या लेंगे, कितने हो जाएंगे, 36। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने आ जाता है, 30। ठीक है, अब 30 के जो सबसे नजदीक है कितना आता है, देखिए 30 के ये 6 पे आ रहा है और ये कितने पे आ रहा है, 5 पे। ठीक है, यानी कि नजदीक कौन सी है, 5 वाली संख्या। ओके, तो यहाँ पे ये वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 57। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब कोई और भी जैसे संख्या होती है 15 21, ठीक है, इसका अपन को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना। अब देखिए इसके जो लास्ट में क्या है, 1 है और 1 किसके पे आता है, 1 और 9 पे आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 15 का। 15 के जस्ट पास वाली कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर यहाँ पे इसके जस्ट छोटा आता है, तो यहाँ पे देखिए 4 का यहाँ पे 16 आ जाता है लेकिन 3 का यहाँ पे कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 9 है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 12। और 12 के पास देखते हैं सबसे नजदीक कौन है, ये है, यानी इसका 3 का डिफरेंस है, तो ये अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्यूब रूट के क्वेश्चंस की। अब क्यूब रूट के क्वेश्चंस को किस तरीके से कर सकते हैं, उनकी भी कुछ ट्रिक्स होगी बहुत। देखिए स्क्वायर रूट से क्यूब रूट है ना वो ज्यादा आसान है, क्यूब रूट की जो संख्या को आप इससे भी जल्दी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस है वो क्यूब रूट में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्यूब रूट निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि क्यूब रूट निकालने के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो इवन नंबर है और किसी भी जो से इवन नंबर क्या है, सम संख्या जिनको बोलते हैं, तो सम संख्याओं का जो पूर्णांक है ना वो हमेशा क्या होता है, सम ही आता है। ठीक है, जैसे कोई भी सम संख्या है, ठीक है, और उसका हम क्या करते हैं, क्यूब रूट करते हैं। ठीक है, क्यूब रूट में निकालते हैं, इसका क्यूब निकालते हैं तो कितना आता है, 1728। ठीक है, तो ये क्या होगा, सम संख्या ही आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से जो विषम संख्याओं का जो क्यूब निकालेंगे तो हमेशा वो क्या आएगा, विषम ही आएगा। तो लिख लीजिए कि देखिए किसी कोई भी विषम संख्या का यदि क्यूब किया जाता है, क्यूब रूट उसका सोल्व किया जाता है, तो वो ऑलवेज विषम संख्या ही आता है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि जैसे दो नंबर की कोई भी संख्या है और उसकी हम क्या करते हैं, क्यूब निकालते हैं। ठीक है, तो वो ऑलवेज 4 या 6 अंकों में इसका आंसर आता है, 4 और 6 अंकों में इसका आंसर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं क्यूब रूट की। ठीक है, तो देखिए आपको ना 1 से लेके 15 तक क्यूब याद आने चाहिए, क्यूब आपको होने चाहिए। अब यहाँ पे क्यूब रूट निकालने के लिए 1 से लेके 10 तक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे याद करते हैं, देखते हैं कि 1 का क्या होता है, 1, और 2 का कितना होता है, 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है यहाँ पे 64, 5 का 125, 6 का यहाँ पे 216, और यहाँ पे 7 का 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। ठीक, ये क्या हो गया इसका क्यूब, यहां से 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27 याद नहीं है तो याद कर लीजिए, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 एंड 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का 1000 होता है। अब इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो कोई भी अपन एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी है। तो देखिए एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी अपने पास एग्जांपल है 9261, यहाँ पे अपने पास एग्जांपल है 9261 और इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट देखिए इस तरीके से आएगा, यहाँ पे देखिए इस तरीके से रूट देखिए, यहाँ पे 3 आएगा, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखिए क्यूब में स्क्वायर में क्या लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट लेते थे, अब क्यूब में क्या लेते हैं, लास्ट की 3 डिजिट लेनी होगी। ठीक है,
और आपको यहाँ पे देखिए पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये इंपोर्टेंट और पता होना चाहिए कि जो वन होता है ठीक है उसके लास्ट में कितना आता है, वन आता है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे टू के लास्ट में क्या आएगा, एट आएगा, और एट के लास्ट में क्या आएगा, टू आएगा। इसी तरीके से थ्री के लास्ट में क्या आएगा, सेवन आएगा, और सेवन के लास्ट में थ्री आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे फाइव के लास्ट में यहाँ पे फाइव ही आता है, फाइव के लास्ट में फाइव ही आता है, सिक्स के लास्ट में सिक्स ही आता है, और यहाँ पे सेवन का हमें पता चल गया है, और यहाँ पे नाइन के लास्ट में नाइन ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए वन के लास्ट में वन है, टू के एट है, थ्री के सेवन है, फोर का फोर ही आएगा, फाइव का फाइव, सिक्स का सिक्स, सेवन का फिर थ्री, एट का टू, नाइन का नाइन। यानी कि जो टू और एट है, देखिए टू का एट और एट का टू, थ्री का सेवन और सेवन का क्या आएगा, थ्री आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो वन के लास्ट में क्या है, वन है। ठीक है, थ्री डिजिट को इनको हटा देंगे, और नाइन, नाइन के इससे छोटा वाला जो अपना क्यूब है उसको देखते हैं। सबसे इससे छोटा वाला क्यूब क्या है, टू है, टू का कितना आ रहा है यहाँ पे, एट आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो टू का क्यूब है वो एट आ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या कर लोगे, तो ये 21 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यानी कि 9261 का क्यूब रूट निकालते हैं तो 21 आ जाएगा, 21 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 33775, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालते हैं, लास्ट के थ्री डिजिट नंबर लेंगे, फाइव किसके पे आता है, फाइव पे आता है, थ्री, थ्री यहाँ पे देखिए वन का वन होता है लेकिन टू का यहाँ क्या होता है, एट होता है, तो ये वाली वन वन यहाँ पे लेंगे, और 15 का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। यानी 33-75 का जो क्यूब रूट है वो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, देखिए क्वेश्चन अपन यहाँ पे और लेते हैं, और देखिए क्वेश्चन है अपने पास और उसका हम क्यूब रूट निकालते हैं। क्वेश्चन है 17675, ठीक, इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ये क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 17576। ठीक है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप खुद को प्रैक्टिस करनी होगी, आप ट्रिक्स को अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे सिक्स है, और सिक्स का जो लास्ट है वो क्या होता है, सिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे तीन डिजिट इनको हटा देंगे, अब अपने पास क्या बचा, 17 बचा, और 17 के जस्ट छोटे वाला क्यूब है वो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए टू का कितना होता है, आठ, और थ्री का कितना होता है, 27, तो यहाँ पे टू लेंगे। ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा, 26 का। तो इसी तरीके से हम क्यूब रूट निकाल लेंगे, ये अपना क्यूब रूट निकालने का सबसे इजी तरीका है। ठीक है, इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस इसी तरीके के आते हैं, क्यूब रूट आपको निकालना आना चाहिए, स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, कुछ इसके बेसिक इंपोर्टेंट पॉइंट हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, कोई भी चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ाई को कंटिन्यू करना।